नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध की पावन धरती पर आपका स्वागत है। जैसा कि सिद्धार्थ नगर के विकास को लेकर हम लोगों द्वारा जो है एक मुहिम शुरू किया गया है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब भी हम सिद्धार्थ नगर के बाहर जाते हैं तो हमें अपने जिले को बताने में जो समस्याएं झेलने पड़ती हैं वहाँ, जो है इस पर जब आप देखेंगे कि वास्तव में एक जिले का परिचय देने के लिए हमको जो बताना पड़ता है कि गोरखपुर से इतना किलोमीटर दूर है, बस्ती से इतना किलोमीटर दूर है, जबकि सिद्धार्थ नगर का पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 25,60,000 है और साक्षरता प्रतिशत 62.2% है। तो क्या हो सकता है कि जब हम अपने जिले के बारे में बताते हैं तो लोग कहते हैं ये कहाँ पड़ता है, कहाँ सिद्धार्थ नगर? और इसको बताने के लिए हमको गौतम बुद्ध जी के बारे में परिचय देना पड़ता है कि वही जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इन्हीं सब जो है समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और सिद्धार्थ नगर का विकास कैसे हो, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, कैसे हम अपने जिले को जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिला सकें, इसके लिए जो है हम लोग एक मुहिम शुरू किए हैं। और ऐसे लोग जो सिद्धार्थ नगर के वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो समाजसेवी हों या शिक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, ऐसे लोगों का जो है हम लोगों के द्वारा साक्षात्कार लिया जा रहा है। इस समय यही एपिसोड चल रहा है, इसमें जो है आपका सहयोग भी अनिवार्य है। तो इन्हीं सब जो है बातों को लेकर आज सिद्धार्थ नगर के एक ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु से संबंध समस्त महाविद्यालय संगठन के अध्यक्ष माननीय मुमताज अहमद जी हम लोगों के बीच में हैं। आप सिद्धार्थ नगर जिला पंचायत के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो सिद्धार्थ नगर में स्थित आजाद महाविद्यालय के आप प्रबंधक भी हैं और सोहरतगढ़ विधानसभा से विधानसभा सदस्य पद के आप प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो आज आपसे इसी संबंध में चर्चा होना है कि कैसे सिद्धार्थ नगर का विकास संभव है या शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या युवा आज अपने नैतिक मूल्यों को भूल रहा है? तो इन्हीं सब जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज साक्षात्कार होना है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आप जो है साक्षात्कार के कुछ अंश देखिए। धन्यवाद। आज शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जो भी कुछ नहीं कि लोगों को काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी पलायन जब हुआ था अभी कोरोना काल में, उसमें देखा गया कि हमारा पूरा जनपद कितनी पूरे देश में कितना कामगार यहाँ का जो पूरे देश के कोने कोने से रहता है, यहाँ उसके पास कोई काम नहीं, एक नरेगा को छोड़ कर सिर्फ यहाँ काम है तो नरेगा है, नरेगा वो भी आधा आधा, वो भी सही ढंग से नहीं। सवाल ये पैदा होता है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ क्या है। विश्वविद्यालय कायम हुआ जी, अच्छी बात है, हम लोगों को लगा कि विश्वविद्यालय कायम हुआ शिक्षा के क्षेत्र में हमारी भूमिका, हमारी जनपद की भूमिका आगे बढ़ेगी, लोग तालीम हासिल करेंगे, एजुकेटेड होंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, लोग अच्छे से जगहों पर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आज विश्वविद्यालय सिर्फ एक भवन के रूप में, आज विश्वविद्यालय सिर्फ एक 6 जिला संबद्ध है, एक समझिए कि कारखाने के रूप में है कि वहाँ सिर्फ एक उद्योग चल रहा है शिक्षा का, शिक्षा नहीं मिल रही, वहाँ कोई नियुक्ति नहीं है, कोई क्लासेज नहीं है, कुछ कोई चीज़ की कोई पढ़ाई नहीं होती है। और हालत ये हो गई हमारी जनपद की, तो सभी डिग्री कॉलेजों को देखता हूँ, जितने डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हमारे यहाँ प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज चलाते हैं, जैसे फार्मेसी कॉलेज है, बीएड है, बीटीसी है, ये भी कोर्सेज चलते हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। लेकिन इनकी फीसें थोड़ी महंगी हैं, जो यहाँ के लेवल से जो यहाँ का किसान है, मजदूर है, उस लेवल की जैसे 40,000-50,000 की फीस है,
25 साल तो लोग इतना पे नहीं कर इतना पे नहीं कर पाते, इतना एफर्ट नहीं कर पाते और सारी सीटें हमारे जिले की कम होते हुए भी इतनी लिमिटेड, मतलब 10 प्रोफेशनल कॉलेज हैं टोटल, टोटल 10 कॉलेज, 25 लाख की आबादी पर सिर्फ 10 प्रोफेशनल कॉलेज और इस 25 लाख की आबादी पर कुल लगभग 32-33 डिग्री कॉलेज। हालत मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के आंकड़े में बता दूं कि प्रत्येक वर्ष जो हमारा इनरोलमेंट है जनपद का प्रत्येक वर्ष का वो हर साल गिरता जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चों ने पूरे जनपद में 10,000 बच्चों का इनरोलमेंट अपर क्लास में डिग्री कॉलेज में होगा तो दिन ब दिन वो 7,000 हो गया, 5,000 हो गया, घटता जा रहा। मतलब हालत ये है कि लगातार यही नहीं सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो एडेड कॉलेज जो सरकारी सहायता से चलते हैं जहाँ से लाख डेढ़ लाख रुपया सैलरी प्रवक्ताओं को दी जाती है और सारे प्रवक्ता भी हैं क्वालिफाइड आयोग से आते हैं, वहाँ की भी हालत ये है कि किसी भी क्लास में सैकड़ा पार करना मुश्किल हो गया है। जहाँ पर और मात्र कितने हैं एडेड कॉलेज, यहाँ पे 3 एडेड कॉलेज हैं, 3 गवर्नमेंट कॉलेज, कितनी संख्या है उनकी, कुल 6 है सरकारी, उसके बावजूद उनकी संख्या कितनी है। आपकी यूनिवर्सिटी में चले जाइए सिर्फ एक कोर्स चलता है कॉमर्स चलता है, उसमें संख्या कितनी है, 100-100, आपकी संख्या ही नहीं। दिन ब दिन इनरोलमेंट गिरता जा रहा है, लोगों की छात्रों की संख्या घटती जा रही है, सिर्फ बचा कौन है, सिर्फ कुछ लड़कियां जो बाहर रह जा सकती या उनका पलायन नहीं हो सकता या घरों में बैठी हैं कुछ मामूली फीस दे करके वो थोड़ा बहुत पढ़ ले रही है। नहीं तो आज लोगों की रोजगार की समस्या है वो हमारे कभी लोगों की रोजी रोटी की समस्या भी है कि पढ़ाई पर धन उतना खर्च नहीं कर पा रहे। अब आर्थिक स्थिति भी शिक्षा में भी बिना पैसे के संभव नहीं है कि लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। आज बिल्कुल जैसे प्राइमरी क्लास है और एक हायर CBSE ICSE बोर्ड का स्कूल है, बड़े स्कूल है, उनकी फीस कहाँ कहाँ प्राइमरी स्कूल की फीस कहाँ। प्राइमरी में वो पढ़ता है जिसके पास संसाधन विहीन है, एक टाइम की भोजन करने के लिए भोजन क्या हुआ, एक टाइम की थर्ड क्लास की खिचड़ी खाने जाता है। कहने का मतलब सर ये है कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति सबके बयां करती है कि हाँ अगर हम प्राइमरी स्कूल में भेज रहे हैं तो आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल की कंडीशन जग जाहिर है कि क्या कंडीशन है प्राइमरी स्कूल की। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजना चाहता है और ये बहुत सारी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा का ही अभाव है कि लोगों में जागरूकता नहीं फैल पा रही है पढ़ाई को लेकर के, अपने आप को कामयाब को लेकर के। ठीक सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, कहीं ना कहीं शिक्षा का ही अभाव है। सर मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि आजकल जैसा कि आधुनिकता का बहुत ज़्यादा विकास होता जा रहा है तो इसमें एक मतलब जो लोगों के बीच में डिस्टेंस होता है, गुरु और शिष्य का डिस्टेंस, माता और बेटे का डिस्टेंस, पिता और बेटी का डिस्टेंस और भी मतलब जो अपना सम्मान होता है, लोग कहीं ना कहीं आजकल नैतिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, इसके जिम्मेदार कौन है, शिक्षा है, अभिभावक है या फिर समाज? देखिए जो समाज आप बता रहे हैं इस समय लोगों में इस तरीके से ललक बढ़ती जा रही है। आप प्राइमरी स्कूल के को दोष देते हैं, प्राइमरी स्कूल, मेरा मानना है कि प्राइमरी स्कूल का प्रधानाध्यापक या किसी विश्वविद्यालय का कुलपति उपाध्याय, दोनों की मानसिकता एक समान है। दोनों की मानसिकता वो अगर 2-5 लाख पाता है, ये 50,000 पाता है प्रधानाध्यापक, लेकिन मानसिकता दोनों की एक जैसी ही है ना, वह अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है ना एक कुलपति 1.5-2 लाख रुपया पाने वाला प्रोफेसर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। ये गिरावट सब में एक जैसी है, जैसे हवा अगर चल रही है तो हर छोटे बड़े अमीर गरीब जानवर इंसान जीव जंतु सबको लगता है, वही हालत इसमें।
उसमें भी है छोटे छोटा प्राइमरी स्कूल वाला अध्यापक हो या छोटे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला गार्जियन हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने वाला व्यक्ति हो, सबको हवा एक जैसी नहीं लग रही। नहीं सर, मतलब ये कहने का है जैसी आधिकता है उसकी कोई अलग है पैसे की। पैसा अगर पढ़ाना अध्यापक 10 रुपया कमा रहा है, उसकी सैलरी 50,000 है और कोई प्रोफेसर है उसकी सैलरी 1.5 लाख है, वो भी 500 रुपये के लिए हर गलत काम करता है। जी बिल्कुल सर, मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर पहले का समय था कि जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को देख रहा है तो पैर छूता था दौड़ के, ठीक, अगर कोई माता पिता दूर से आ रहे हैं तो देख करके पैर छूता था और इसके बाद अपने से बड़ों का सम्मान करता था सर, तो ये मतलब आजकल के समय में ऐसा नहीं रह गया। आप खाली बस दूर से ही हाय हेलो हो रहे हैं, नमस्ते हो रहे हैं, लोग मोबाइल पर गुड नाइट का मैसेज भेज दे रहे हैं, तो ये सर मतलब क्या है, ये किसके कारण है? समाज के कारण है, शिक्षा के कारण है, या फिर अभिभावक की गलती है कि हाँ अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कि हाँ कैसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए, ये सब सर मतलब किसके, समाज या शिक्षा या फिर कमर्शियल नहीं था जी, शिक्षा कमर्शियल नहीं था जी, शिक्षा एक दान था जी, तो कमर्शियल जी। बच्चा एग्जाम देने जाता है जी, अध्यापक उससे लगकर वो नंबर बढ़ाने का पैसा मांगता है, सम्मान क्यों करेगा? वो प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाता है, उसको प्रैक्टिकल करने का पैसा देना पड़ता है, इज्जत कैसे क्यों करेगा? और वो लेता प्रोफेसर 1.5 लाख रुपया लेने वाला। हाँ मतलब ये एग्जाम लेता है, जो 1.5 लाख रुपए लेते हैं वो कहीं ना कहीं 500 रुपए के लिए अपनी नियत खराब कर लेते हैं, बच्चों से मांगता है जी। बिल्कुल, आप बताओ वो सम्मान कैसे करेगा जी? बिल्कुल, सम्मान कहाँ रह जाएगा जी? कहीं ना कहीं मतलब समाज और शिक्षा ही इसके जिम्मेदार है। बिल्कुल, मतलब ये आपस के जो समाज है वही मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। अंदर पैसे की भूख खत्म नहीं हो रही है, शिक्षा दान थी तब सही, आज शिक्षा दान नहीं है, आज शिक्षा व्यवसाय है और व्यवसाय सब कर रहे हैं, चाहे छोटे स्कूल वाला हो चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला हो, व्यवसाय सब कर रहे हैं और व्यवसायीकरण के नाते आज ये सम्मान का खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार समाज है और अभिभावक भी हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा भी जिम्मेदार है। और सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में घूमे हैं, राजनीति से आपका मतलब लगाव है और जुड़े हुए भी हैं, साथ में आप स्कूल में कई सारे बच्चों से मिलते हैं, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि समाज में आर्थिक समस्याएँ शिक्षा पर क्या प्रभाव डाल रही हैं सर? कि मतलब समाज में जो आर्थिक समस्या है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, मतलब ये कहीं ऐसा है कि आर्थिक समस्या के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है सर? आर्थिक समस्या भी है और दूसरी आज तक की सभी सरकारों की नीतियाँ हैं जी, वो एक सरकार इसकी दूसरी है, सरकारों की नीतियाँ भी। आप योग्यता कभी आप चुनावी भाषणों में चुनावी चुनाव जीतने के लिए जैसे आप लोन फ्री करते हो, वैसे नौजवानों को लुभाने के लिए जब आप ये घोषणा करते हो कि आप मेरिट पर आओ, योग्यता आप आपकी क्वालिटी क्या है उसके आधार पर आपको नौकरी दे देंगे, आप मेरिट के आधार पर आओ, तो मेरिट बनाने के लिए पैसा खर्च करके मेरिट बनाता है और मेरिट बनवाने में शिक्षक योगदान देते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ योगदान देती हैं और इसी नाते आज बेईमानी वो चरम पर है और मेरिट आती है ना कि शिक्षा उसका क्वालिटी आ गया जी, जी। तो ये नीतियाँ गलत हैं। कहने का मतलब ये सर कि कहीं ना कहीं जिसके पास पैसा है वो डिग्री खरीद रहा है, नौकरी खरीद रहा है, और कहीं जिसके पास पैसा नहीं वो अपने आप में छुपा हुआ है, दबा हुआ है, यही ना सर? आज फर्जी नियुक्तियाँ क्यों हो रही हैं? हाँ हाँ बस आज जो तमाम फर्जी नियुक्तियाँ पैसे से फर्जी डिग्रियों के आधार पर जी आज नौकरी पूरी व्यवस्था में पूरी ज़्यादा जड़ पकड़ ली है। आज जिस जिले का पन्ना आप एक मिसाल के तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग बताइए जी, जी, जी। जहाँ भी जिस जिले में देखिए वहाँ 100 टीचर 50 टीचर 25 टीचर फर्जी निकल रहे हैं, जिस विभाग को उठाइए वहाँ विभाग में कुछ फर्जी नियुक्तियाँ निकल रही हैं, क्या है इससे? कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी संस्था है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी इसके बावजूद अगर करप्शन हो रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सर मैं अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शिक्षा का ज़्यादा आधुनिकीकरण
ये शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दे रहा है या घटावा दे रहा है? जैसे लोग मोबाइल में पढ़ लेते हैं, लैपटॉप में पढ़ते हैं, कंप्यूटर में पढ़ते हैं, तो सर ये क्या आपके हिसाब से सही है या गलत है? देखिए, दुनिया से जुड़ना सोशल मीडिया से एक बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज जो किताबें, जो हमारे तमाम विद्वानों ने लिखी हुई किताबें हैं, तमाम रिसर्च है जी। अगर उसको बच्चे किताबों से नहीं पढ़ेंगे, उससे नहीं जुड़ेंगे, उसका ज्ञान नहीं अर्जित करेंगे, तो क्वालिटी कहाँ रह जाएगी जी? फिर ये ख़त्म होगा जी। इस नाते ये जरूरी है, ये तो शॉर्टकट रास्ता है जी। और शॉर्टकट रास्ते बराबर योग्यता की तरफ नहीं ले जाते जी। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सही है तो कहीं ना कहीं गलत भी है, है ना? ठीक सर, आपने बहुत सही बताया। एक सर मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, तो लोगों के बाद समस्याओं को आपकी जानकारी मिलती है। सर मैं आपसे लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है सर? देखिए, लोगों को इस पर जागरूक होना, खासतौर से अभिभावकों को, अपने बच्चों पर जो भी पैसा खर्च करते हैं या जो भी उनका खर्च है, पहला खर्च उनको शिक्षा पर देना चाहिए और अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। यह हमारी आपकी भी कमी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में पीछे हटते हैं और उनके रोजगार के लिए पहले कोशिश करते हैं। हम पहले अच्छी शिक्षा दे ले जाएं। और आज मेरा दावा है कि हमारे ये सोचना कि हम पिछड़े हैं या हम कामयाब नहीं हो सकते, हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कराएं और अपने बच्चों को कराएं और सारे कंपटीशनों के लिए उनको तैयार कराएं। और अगर हम कंपटीशनों में बैठेंगे तो मेरा दावा है जी कि मेरे यहाँ के अगर 100 बच्चे बैठेंगे तो 10-20 तो आएंगे जी। बिल्कुल, ये निराशाजनक सवाल नहीं होना चाहिए कि हम नहीं पास हो सकते जी। आप जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, आप उसको उसमें शामिल होइए, उससे आपको सीख मिलेगी, आप उसमें कामयाब होंगे। 100% तो नहीं देते कि 10-20-30% कामयाबी मिलेगी जी, लेकिन आप पहले शिक्षा लोगे तब ना। लेकिन आप मैच्योर होने से पहले, पूरी शिक्षा ग्रहण करने से पहले आप चाहोगे कि हम सारी पैसा कमाने लगें, ये संभव नहीं जी। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी शिक्षा पाएंगे तभी आप अच्छा रोजगार पाएंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे एक मैसेज दिलवाना चाहूँगा कि सर जो लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर जो लोग हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, आप समाज को सिद्धार्थ नगर के विकास के प्रति क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आप संदेश मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़िले के नौजवान जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करें कि वह भी शिक्षा ग्रहण करें और प्रतियोगिता परीक्षाओं को ज़्यादा से ज़्यादा दें। निराशाजनक सवाल ना खड़ा करें कि मैं नहीं सेलेक्ट हो सकता। प्रतियोगिताओं में शामिल होना जारी रखें और निरंतर प्रयास रखें। मेरा पूरा दावा कि हमारे जनपद से भी हर परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कामयाब होकर निकलेंगे, ये मेरा दावा है। आप कोशिश करो। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने अपने कीमती समय दिया। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छी विचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।